सिसई प्रखंड क्षेत्र के कुम्हार मोड़ स्थित आश्रम बालिका विद्यालय का गुमला उपायुक्त सुशांत गौरव ने बुधवार को औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां के छात्राओं के लिए सुविधाओं और व्यवस्था का अवलोकन किया गया, साथ ही साथ उनके द्वारा कुछ सुझाव देते हुए कई अन्य कार्यों का निर्देश दिया गया। उन्होंने प्रधानाध्यापिका को भी विभिन्न प्रकार के निर्देश दिए। इसी बीच वहां के शिक्षकों ने उनसे एक साल से उनके मानदेय नहीं मिलने पर मानदेय दिलाने की गुहार लगाई। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील अखल को, अंचलाधिकारी अरुणिमा एक का एवं जिला से आए हुए अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। आज आश्रम बालिका आवासीय विद्यालय जो है सिसई में हमारे बहुत ही एक अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, एक अच्छा माहौल है ताकि बच्चे अलग अलग तरीक़ों से एक इन्वायरमेंट में डिसिप्लिन सीखें, भाईचारा सीखें, एक हारमोनी में एक टीम मेंबर की तरह बढ़ें। इसके अलावा पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे बने और उनके रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में बढ़ाने के साथ ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। इस मद्देनज़र कुछ छोटी मोटी जो इम्प्रूवमेंट की स्कोप्स थी वो हमारी टीम के साथ हम लोगों ने डिस्कशन किया है। काफ़ी एफिशिएंट हमारे यहाँ टीम मेंबर है, चाहे वो BDO CEO हो या हमारे यहाँ जो संचालक है। इन लोगों के प्रस्ताव के आधार पर आवश्यक कार्रवाई अतिशीघ्र हम लोग कराएंगे ताकि बच्चों के सर्वांगीण विकास में और भी बेहतर हम लोग कुछ नया कर दिखा सकें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।